अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आज के इस अध्याय में आप जानेंगे टेली प्राइम में स्टॉक कैटेगरी क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं, साथ ही जानेंगे कि स्टॉक कैटेगरी समरी कैसे देखते हैं। स्टॉक कैटेगरी के बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी उपयोगिता भी स्टॉक ग्रुप की उपयोगिता से काफी मिलती जुलती है, पर हम स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी का एक साथ उपयोग करके स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट को ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। यहाँ हमने काम करने के लिए एक कंपनी ओपन कर ली है। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का व्यापार है और इस कंपनी में हमने पहले से ही स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स बनाए हुए हैं। इन्हें बनाना हम आपको वीडियो नंबर 25 और 28 में सिखा चुके हैं। आप चाहें तो अपनी पहले से बनी किसी भी कंपनी में या नई कंपनी बनाकर हम जो सिखा रहे हैं वो काम कर सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी को समझने के पहले आपको एक बार फिर से स्टॉक ग्रुप और स्टॉक ग्रुप समरी को शॉर्ट में समझना होगा। स्टॉक ग्रुप वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्टॉक ग्रुप्स क्यों बनाते हैं। आइए आपको फिर याद दिला देते हैं। टैली में हम अपनी सभी स्टॉक आइटम्स के खाते बगैर स्टॉक ग्रुप के खोल तो सकते हैं, पर यदि हम रिपोर्ट में जाकर एक साथ शीघ्रता से ये देखना या जानना चाहते हैं कि हमारे पास कुल कितने एयर कंडीशनर्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स और वॉशिंग मशीन्स हैं, या हम ये जानना चाहें कि हमारे पास कौन सी कंपनी के कितने एयर कंडीशनर्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स और वॉशिंग मशीन्स हैं, तो इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें स्टॉक ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाकर उनमें स्टॉक आइटम्स के खाते खोलना होते हैं। यहाँ हम आपको समझाने के लिए एक चार्ट दिखा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं स्टॉक समरी की। हमने आपको वीडियो नंबर 41 में स्टॉक ग्रुप समरी के बारे में विस्तार से समझाया था। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। आगे बढ़ने के लिए पहले हम एक बार वापस स्टॉक समरी देख लेते हैं। उसके लिए एस प्रेस करें। देखिए हमारे पास कुल कितने एयर कंडीशनर्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन और वॉशिंग मशीन्स हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। अब डिटेल्ड रिपोर्ट देखने के लिए ऑल्टर और F5 प्रेस करें। ऐसा करते ही हमें ये मालूम पड़ रहा है कि हमारे पास कौन सी कंपनी के कितने एयर कंडीशनर्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन और वॉशिंग मशीन्स हैं। जैसे कि हमारे पास सोनी के कुल 32 टीवी हैं। अब F12 प्रेस करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। यहाँ एक्सपैंड ऑल लेवल्स इन डिटेल्ड फॉर्मेट को यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए ऐसा करते ही अब हमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि हमारे पास किस कंपनी के कौन से साइज के कितने एयर कंडीशनर्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स और वॉशिंग मशीन्स हैं। जैसे कि सोनी के 20 इंच वाले 12 टीवी हैं और इसी तरह सोनी के 30 इंच वाले 20 टीवी हैं। बस यहाँ एक समस्या रह जाती है कि हमसे कोई पूछे कि आपके पास किसी निश्चित साइज या कलर के कितने टीवी हैं। जैसे कि हमसे किसी ग्राहक ने आकर कहा कि आपके पास 20 इंच वाले टीवी कौन कौन सी कंपनी के हैं और किस कंपनी का कितना स्टॉक है, मैं सभी एक साथ खरीदना चाहता हूँ, तो हमें इसका जवाब इस रिपोर्ट में तुरंत नहीं मिलता है। यहाँ इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इस रिपोर्ट में 20 इंच वाले टीवी एक एक करके छांटना होंगे और फिर उनका टोटल लगाना होगा, तब जाकर हम ग्राहक को बता सकेंगे। बस इसी का समाधान है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी बनाने से हमें इस तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगी। तो चलिए पहले स्टॉक कैटेगरी की परिभाषा देख लेते हैं। स्टॉक कैटेगरी विशेष रूप से स्टॉक आइटम्स के आकार, रंग, कार्यों को परिभाषित करती है। स्टॉक कैटेगरी मूल रूप से विभिन्न स्टॉक ग्रुप्स से संबंधित समान विशेषताओं के स्टॉक आइटम्स का वर्गीकरण है। आइए शुरू करते हैं और समझने के लिए टीवी की 20 इंच और 30 इंच वाली कैटेगरी बना लेते हैं। मास्टर्स के अंतर्गत क्रिएट पर जाएं। यहाँ इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक कैटेगरी पर जाकर एंटर प्रेस करें। स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। नेम में हमें वो नाम टाइप करना होगा जिस नाम से हम स्टॉक कैटेगरी बनाना चाहते हैं। हम टीवी 20 इंच टाइप कर रहे हैं। अंडर में प्राइमरी ही रहने दें। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। इसी तरह हम
टीवी 30 इंच की भी एक कैटेगरी बना लेते हैं। आप अपनी जरूरत अनुसार कितनी भी स्टॉक कैटेगरीज बना सकते हैं। आइए अब हम अपने 20 इंच और 30 इंच वाले जितने भी टीवी हैं उनमें स्टॉक कैटेगरी डाल देते हैं। उसके लिए हमें स्टॉक आइटम्स में ऑल्टरेशन करना होगा और इस काम के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना होगा। यहाँ स्टॉक आइटम्स पर जाएं और एंटर प्रेस करें। अब मल्टी मास्टर्स के लिए ऑल्टर और एच प्रेस करें। यहाँ मल्टी ऑल्टर पर जाएं। लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ रही है, आप चाहें तो यहाँ ऑल आइटम सेलेक्ट करें या फिर टीवी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम टीवी ग्रुप इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी केवल टीवी से संबंधित कैटेगरी ही बनाई है और हमें टीवी ग्रुप के अंतर्गत बने हुए स्टॉक आइटम्स में ही ऑल्टरेशन करना है। देखिए मल्टी स्टॉक आइटम ऑल्टरेशन स्क्रीन आ रही है जिसमें सभी तरह के टीवी के नाम दिखाई पड़ रहे हैं, पर यहाँ कैटेगरी का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसे एनेबल करने के लिए F12 प्रेस करें। यहाँ शो स्टॉक कैटेगरी डिटेल्स को यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। देखिए ऐसा करते ही कैटेगरी का ऑप्शन आ गया है। अब हमने जिन स्टॉक आइटम्स के लिए कैटेगरी बनाई है एक एक करके उन पर चलते हैं और उनमें कैटेगरी डाल देते हैं। ध्यान रखें जब भी आप स्टॉक आइटम्स में इस तरह का ऑल्टरेशन करने जाएंगे तो आपको हर बार F12 प्रेस करके शो स्टॉक कैटेगरी डिटेल्स को यस करना होगा। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए अब देखते हैं कि नया स्टॉक आइटम बनाते समय उसमें कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करते हैं। क्रिएट के लिए C प्रेस करें, स्टॉक आइटम पर जाएं। ये देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन आ रही है जिसमें कैटेगरी ऑप्शन भी दिखाई पड़ रहा है, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आए जिसमें कैटेगरी ऑप्शन ना दिखाई पड़े, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ F12 प्रेस करना होगा। अब यहाँ शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करके एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको इन्वेंटरी डिटेल के अंतर्गत यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम को यस करना होगा, फिर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। देखिए यहाँ कैटेगरी ऑप्शन आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेम में हम LG TV 40 इंच टाइप कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। अंडर में ग्रुप सिलेक्ट करें। कैटेगरी में वो कैटेगरी सिलेक्ट करें जिसमें आप इस स्टॉक आइटम को रखना चाहते हैं। हमारे पास इस आइटम की कैटेगरी बनी हुई नहीं है, इसलिए ऑल्टर और सी प्रेस करके कैटेगरी बना लेते हैं। अब यूनिट सिलेक्ट करें। वैसे तो हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पर समझने के लिए हम 5 टाइप कर रहे हैं। रेट में 40,000 टाइप कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए अब समझते हैं कि स्टॉक कैटेगरी की रिपोर्ट कैसे देखते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए D प्रेस करें। यहाँ इन्वेंटरी बुक्स के लिए I प्रेस करें, फिर स्टॉक कैटेगरी समरी के लिए C प्रेस करें। यदि आप सभी कैटेगरीज की रिपोर्ट एक साथ देखना चाहते हैं तो प्राइमरी सिलेक्ट करें। अब डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए ऑल्टर और F5 प्रेस करें। देखिए यहाँ हमारे द्वारा बनाई गई सभी कैटेगरीज के नाम आ रहे हैं और उनके आगे उनकी क्वांटिटी भी आ रही है और उनके नीचे उन स्टॉक आइटम्स की डिटेल्स आ रही हैं जो उस कैटेगरी में बने हैं। नीचे की ओर आप कुछ स्टॉक आइटम्स के नाम भी देख रहे हैं। ये वो आइटम्स हैं जिनकी हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है, आप चाहें तो इनकी भी स्टॉक कैटेगरी बना सकते हैं। आइए अब हम किसी एक कैटेगरी की रिपोर्ट देख लेते हैं। उसके लिए F4 प्रेस करें और जिस कैटेगरी की रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। हम टीवी 20 इंच सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे ग्राहक के प्रश्न का जवाब तुरंत मिल गया। अब हम ग्राहक को बता सकते हैं कि हमारे पास 20 इंच वाले टीवी कौन कौन सी कंपनी के हैं और कितने कितने हैं।
तो दोस्तों, इस अध्याय में आपने सीखा कि टेली प्राइम में स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं, साथ ही ये भी देखा कि इससे हमें स्टॉक की रिपोर्ट देखने में कैसे मदद मिलती है। इसके बाद वाली वीडियो में हम बताएंगे गोडाउन्स के बारे में। धन्यवाद।